हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वालों के जिनके जरिए आप पेशाब और जनन तंत्र के संबंधी बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पर ही कर सकते हो। हमारे शरीर में छोटी छोटी बीमारी जैसे कि सर्दी खांसी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन होता है फ्लूइड की स्टेगनेंसी, यानी कि हमारे शरीर का जो फ्लूइड होता है वह अगर ठीक हो जाता है और वह अलग अलग जगह पर जमा होना शुरू हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी पैदा करता है। अगर यह फ्लूइड हमारे लोअर एब्डोमेन में जमा होता है तो फिर यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंधी अलग अलग तकलीफें पैदा करता है, जैसे कि पेशाब में रुकावट आ जाना, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो जाना, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन में आपको बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग आती है, सिस्टेटिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन होता है, या तो फिर जननांग के आसपास ईचिंग होता है, वहां पर रेसिस हो जाते हैं, वहां पर हर्पीस की तकलीफ होती है। पुरुषों के संबंधी अलग अलग तकलीफें होती है, जैसे कि शुक्र कोशों की संख्या कम हो जाती है, वह पुअर क्वालिटी के पैदा होते हैं, इनफर्टिलिटी की असर होती है, प्री नेचुरल इजेक्यूलेशन होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। महिलाओं के संबंधी अलग अलग तकलीफें होती है, अंडकोशों की संख्या कम हो जाती है, अंडाशय में सिस्ट बन जाता है जिनको PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है। पीरियड्स के संबंधी अलग अलग तकलीफें होती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कम या तो ज़्यादा आते हैं, कई बार बंद हो जाते हैं, पीरियड से पहले सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, महिलाओं में बार बार एबोशंस की तकलीफ होती है, यूट्रस के संबंधी अलग अलग तकलीफें होती है, यूट्रस का प्रोलेप्स हो जाता है, वहाँ पर से ब्लीडिंग होता है, वहाँ पर फाइब्रॉइड बन जाता है। यह सभी समस्या का निराकरण आप सिर्फ यह एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के कर सकते हो। यह पॉइंट का नाम है CV3 यानी कि कंसेप्शन वेसल का 3 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। यह पॉइंट का नाम है जोंग जी, जोंग यानी कि मिडल, जी यानी कि पिलर, इनको मिडल पिलर बोला जाता है। यह पॉइंट कहां पर मिलता है? यह पॉइंट हमारे शरीर के मिड लाइन पर हमारी जो नाभि होती है, यह नाभि से फॉर्चून नीचे यहाँ पर मिलता है। फॉर्चून यानी कि पहले आपको नाभि से 4 फिंगर नीचे जाना है, इनके ऊपर आपको 1 थंब ऐड कर देना है, तो यहाँ पर हमारा यह पॉइंट मिलता है। फिर से जान लेते हैं, मिड लाइन पर हमारी जो नाभि है, यह नाभि से फॉर्चून नीचे, फॉर्चून यानी कि पहले नाभि से आपको 4 फिंगर नीचे जाना है, इनके ऊपर आपको 1 थंब का डिस्टेंस ऐड कर देना है, तो यहाँ पर हमें यह एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है। यह पॉइंट को 2 से 3 मिनट के लिए दबाना है, इनको आप कंटिन्यूस इस तरीके से दबा सकते हो या तो फिर इनको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मसाज दे सकते हो। खास ध्यान में रखना है यह पॉइंट को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही एक्यूप्रेशर देना है। यह पॉइंट को खाने के तुरंत बाद नहीं दबाना है, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दरमियान भी यह पॉइंट को नहीं दबाना है, यह खास ध्यान में रखना है। तो यह सिर्फ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के आप यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संबंधी अलग अलग बीमारियों में फायदा ले सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।